ओहो, अरे भैया मुंह में से आया ना पानी। अरे रबड़ी चीज ऐसी है जिसको खाते आ जाती है जवानी। तो रामचंद्र की कुल्फी और रबड़ी लगाते हैं जयपुर में यूट्यूब के पंडित जी रवि शर्मा के साथ इंडियन देसी तड़का पर। आइए जयपुर की सड़कों पर दिव्य तड़कों की तलाश में। नमस्कार, वेलकम बैक टू इंडियन देसी तड़का। दिस इज रवि शर्मा, यूट्यूब के पंडित जी। आज आए हम जयपुर, गुलाबी नगरी, राजस्थान की राजधानी, जहाँ पर हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कई दिव्य देसी तड़कों की तलाश में। जब हम यहाँ आए हैं तो थोड़ा जयपुर नगरी के बारे में बताना चाहूँगा। जयपुर गुलाबी नगरी 1721 में राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा स्थापित यह नगरी भव्य इमारतों, भव्य महलों और कई राजप्रासादों के लिए ये फेमस है। हम सब जगह की यात्रा करेंगे और दिव्य तड़कों की आज जो यात्रा हमें कराने जा रही है, मेरी फ्रेंड है शैलजा, जिसे मैं मिला था यहाँ जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल 2018 में। शैलजा शी इज फंटास्टिक इंडिपेंडेंट डिजाइनर। हाय शैलजा, क्या हाल चाल है? आप हमें क्या क्या आज खिलाने जा रही हैं? फालूदा खिलाने। फालूदा, ओके। रामचंद्र कुल्फी, तो आज चलते हैं शैलजा के साथ में। शैलजा से आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेलिंग में दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों चीज़। तो अगर आप फैशन डिजाइनर वगैरह के बारे में कुछ भी आप जुड़ना चाहते हैं तो शी इज़ फॉर यू। शैलजा हमें बताने जा रही है हवा महल के बारे में। हवा महल में 100 खिड़कियाँ हैं। ये 100 खिड़कियाँ इसलिए बनाई गई थी क्योंकि रानियाँ जब बाहर देखा करती थी तो छोटी सी झलक उन्हें यहाँ से दिखाई देती थी बाहर की, तो रानियाँ इन खिड़कियों में से बाहर का नज़ारा देखा करती थी। तो हवा महल 100 खिड़कियों के लिए फेमस है। आज जब जयपुर की दिव्य तड़कों की, इंडियन देसी तड़का की यात्रा चल रही थी तो वहीं पर हवा महल के बाहर मेरी मुलाकात हुई मेरे परम मित्र, सम्माननीय मित्र पुरुषोत्तम जी दिवाकर से। पुरुषोत्तम दिवाकर एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जो 1998 से इंडिया टुडे के साथ में काम कर रहे हैं, फोटोग्राफी की दुनिया में एक नामी गिरामी शख्सियत, वो हमें बताने जा रहे हैं जयपुर क्या है। सर नमस्कार, क्या हाल है सर? नमस्ते रवि जी, आपका यहाँ मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने मुझसे जानना चाहा कि जयपुर क्या है, तो शायद किसी भी व्यक्ति के लिए ये बहुत आसान होगा जयपुर के बारे में, क्योंकि जयपुर की पहचान बहुत बड़ी है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जयपुर एक पिंक सिटी है, और आज हम जहाँ खड़े होकर के बात कर रहे हैं उसके पीछे पिंक कलर का हवा महल है। और इस हवा महल के डेस्टिनेशन को देखने के लिए पूरी दुनिया के लोग आते हैं, और देश के अंदर जो प्रमुख टूरिस्ट प्लेस हैं उनमें से एक जयपुर और ये हवा महल। ये इतनी सारी खिड़कियाँ, इसके बारे में क्या राज है? रानियाँ हर खिड़की में तो कुछ देखती थी। ये देखने के साथ साथ एक हवा का प्रेशर बनाने के लिए, उस जमाने में एयर कंडीशनिंग, कूलर, ऐसी कुछ ज़्यादा आधुनिक तकनीक नहीं होती थी, तो हवा खाने के लिए भी ये स्थान का उपयोग किया जाता था। और यहाँ से निकलने वाली हर यात्रा, शोभा यात्रा, इस रोड पर होने वाली हर एक्टिविटी, तो क्योंकि उस जमाने में पर्दा प्रथा का एक प्रचलन था और यहाँ पर रानियाँ अपना मुकुटा सीधा जनता को न दिखा करके इन झरोखे से या होने वाली हर ऐतिहासिक गतिविधियों को देखते। तो ये थे पुरुषोत्तम जी दिवाकर, आप हमारे साथ में शैलजा। पुरुषोत्तम जी, हम चल रहे हैं रामचंद्र कुल्फी खाने के लिए। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे पीछे जयपुर की रामचंद्र कुल्फी जस्ट जूस सेंटर। तो आइए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कैसी है शैलजा की जो रिकमेंडेशन है कुल्फी और
शेक वगैरह यहाँ के शेक फेमस है, जूस फेमस है। लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स शिकार करिए। मजा आया सर? कितना आया? बहुत आया। कितना? इतना इतना इतना? कहाँ से आप? सामने पोस्ट ऑफिस में। अच्छा, ये जयपुर से ही आप? हाँ। क्या बात है, कब से आ रहे हैं आप रामचंद्र कुल्फी पर? मेरे को तो यहाँ 37 साल हो गए। 37 साल अंकल, 37 ईयर्स से यहाँ पर रामचंद्र कुल्फी पर कभी जूस पीने आते हैं, कभी शेक पीने आते हैं और कभी रबड़ी खाने आते हैं। हर चीज शानदार है यहाँ की। हम आ चुके हैं रामचंद्र कुल्फी और जूस सेंटर पर और मिलाने जा रहा हूँ मैं महेश जी से, जो यहाँ के ओनर है, और वही बताएंगे हमें यहाँ पर क्या ऑर्डर करना है और क्या हमें यहाँ का टेस्ट करना है। सर बता पाएंगे क्या शानदार चीज़ आपके यहाँ की? सर आपको मैं कुल्फी भी लीजिए, रबड़ी कुल्फी है, केसर पिस्ता कुल्फी है, ये दोनों हमारे यहाँ के जयपुर में प्रसिद्ध है। और ये हमारा पुश्तैनी काम है जो कि हमारा लगभग 60 साल से हम लोग इस काम कर रहे हैं। 60 साल से? और मैं इसमें थर्ड जनरेशन जो कि कुल्फी के व्यवसाय के अंदर है। एक आपके अंदर मूछों वाले भी हैं यहाँ? जी, वो मेरे फादर हैं। अरे क्या बात है। और आप शेक ट्राई करिए, पपाया शेक है, पाइनएप्पल शेक, केसर पिस्ता शेक। ठीक है, इनकी खुशबू से ऑलरेडी मस्ती छा रही है। तो हमारी पूरी टीम अब आज हवा बोलने जा रही है रामचंद्र कुल्फी सेंटर पर। क्या बात है, खुशबू ऐसी है अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। तो अब मुझे नाक से खुशबू भी लेनी है और मुंह से इसका टेस्ट भी लेना है। क्लासिक, बहुत ही शानदार, जैसा सुना था उससे 4 गुना ज़्यादा अच्छी चीज़ निकली है ये केसर पिस्ता शेक। क्या राज है, पूरे जयपुर में आप छाए हुए हैं, सारी सेलेब्स आपके यहाँ पर आकर के कुल्फी टेस्ट करती है, तो प्लीज़ कुछ बताइए इसके बारे में। कोशिश करते हैं कुल्फी अच्छी से अच्छी बने और जो इसके अंदर शुद्धता प्योरिटी है और ये हाइजेनिक तरीके से हम आज इसको बना रहे हैं, इसको बनाने का तरीका हमारा वही परंपरागत है। हम इसे डीप फ्रीज में आज भी नहीं जमाते हैं, मटके के अंदर बर्फ़ और नमक के मिश्रण से कुल्फी जमाई जाती है और उसी तरीके से कुल्फी जिस तरह से हमारे 60 साल पहले जमाई जाती थी उस तरीके से आज तक बने तैयार की जा रही है। वो मटका आप देख सकते हैं? मटका सर आप बिल्कुल देख सकते हैं। यम्मी। भाई मैं कैसे छोड़ूं इसको, मैं तो इस कुल्फी को छोड़ ही नहीं सकता हूँ। इन्होंने मुझे ग्लास पकड़ा दिया, बट आई केम हियर टू टेस्ट ये कुल्फी, रामचंद्र वाली कुल्फी। देखिए सबसे शानदार बात जो मुझे यहाँ पर लगी है, पत्ते पर ये कुल्फी दी जाती है, फिर उसके नीचे कागज है कि प्लेट है, देन यू हैव टिश्यू पेपर। इस पर देख रहे हैं आप काफ़ी सारे काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स है और पीलापन जो मुझे लग रहा है केसर का है, तो रियली नाइस। अब टेस्ट कर रहा हूँ मैं। बहुत ही उम्दा, पूरा एकदम दूध वाला, मावे वाला जो टेस्ट होता है वो आ रहा है। तो जयपुर में आइए रामचंद्र कुल्फी जूस भंडार पर, सारे आनंद उड़ाइए, आइए और पाइए। Thank you.
इंडियन देसी तड़का एंड रामचंद्र कुल्फी भंडार।